अस्सलाम वालेकुम जमाए शशम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4 उड़बान कमर क्या डरता है क्या कॉपी वर्क करेंगे, ठीक है ना। जो कॉपी पे काम करना है हम लोगों ने, पहला सवाल है अल्फाज के मैनी लिखें। अल्फाज मैनी, बंजर मैनी है वो ज़मीन जिस पर कुछ ना उगे। इस्तकबाल खुशामदी, जोहद कोशिश सही, धोड़ धूप रायगा बेकार ज़ाया, गड़ा सुराख शगाफ, शार आदत तरीका, मशगूल मसरूफ, दिक्कत मुश्किल, तगोदो कोशिश। फिर है सवालात के जवाबात लिखें। आयशा क्यों दिल बर्दाश्ता हो गई थी। आयशा इसलिए दिल बर्दाश्ता हुई कि वो अव्वल आना तो दूर की बात, पहले 5 पोजीशन में भी नहीं पोजीशन में भी नाम नहीं था। अम्मी जान ने आयशा को दिलासा देते हुए क्या नसीहत की। अम्मी जान ने आयशा को ये दिलासा दिया कि बेटा बाज़ औक़ात नाकामी कामयाबी का जीना बन जाती है, यानी कि सीढ़ी बन जाती है, ठीक है। ये दिलासा देते हुए अम्मी ने नसीहत की। कफ़ाल शाशी किस फन का माहिर थे। कफ़ाल शाशी एक मशहूर माहिर लोहार थे। कफ़ाल शाशी के दिल में इलम हासिल करने का जज्बा क्यों पैदा हुआ। जवाब है एक दिन वो पहाड़ी इलाके में आराम कर रहे थे कि उनकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिस पर मुसलसल पानी का एक एक कितरा गिर रहा था। मुसलसल कतरा गिरने की वजह से पत्थर में गड़ा पड़ गया, यानी कि शगाव या सुराख हो गया। इस गड़े ने कफ़ाल शाशी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो अभी पानी की कतरे की तरह मुसलसल कोशिश करता तो कामयाब ना होता क्या, उसने खुद से पूछा। इस ख्याल ने कफ़ाल शाशी के अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया और उन्होंने दोबारा असूल इलम सीखने में मशगूल हो गए। बच्चों आपका ये काम मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह कल हम अब नया सबक अपना शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।